गाइस रात के 1 बज रहे हैं। ये देखो मैडम बच्चों के लिए क्या बना रही है। क्या है ये? खिचड़ी। खिचड़ी। गाइस खिचड़ी है और ये हमारे गौरव बेटा खाएगा। अरे मैंने चावल दाल, ये तो बोलो। और हल्की हल्दी और चुटकी बनाऊंगा मैं। तू बार बार क्या पेशाब करे जा रहा है? थोड़ा थोड़ा करके कर, एक बार करना तो कर दे। आ जाओ मैं चिन्ह चो। आ जाओ आ जाओ मम्मी की शेरू। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। शेरू शेरू आ जाओ मेरे शेरू बेटा। इधर बैठ। गाइस ये देखो खिचड़ी खिचड़ी कैसे खा रहे हैं बच्चे। ये देखो ये खिचड़ी। मैंने सुना बिरयानी खा गया आज बाहर से। अरे अरे चावल खाए हैं वो कैसे बिरयानी? मम्मी तो कह रही थी। आ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? क्या तुझे बोल रही हूँ? इतना भी कैमरा भी मत आगो बेटा, पानी वाली सब भूल जाओ तुम। गौरव ये गिर गई। कुछ 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। गौरव ए गौरव गौरव ए खाने में जिससे मत करो बिल्कुल। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है? ला दे मुझे दे दो दे दे। भाई वेटिंग पे है गगन, इसे खिलाओ। गाइस खिचड़ी बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे। खिचड़ी भी खा लेते हैं, दलिया भी खा लेते हैं। गाइस रात के बज रहे हैं 1 एक बजे चल रही है मस्ती और 1 बजे चल रही है फुल मस्ती इंटरटेनमेंट। मम्मी को आ रही नींद, मम्मी जा रही है सोने के लिए। ये लेट चुका है, पापा लेटे हुए हैं। गाइस दिखा दिया बच्चे के चाचा क्या कर रहे हैं। अरे भाई इधर खाना, उधर देखो उधर। मम्मी दे तो रही है खाना, मम्मी दे तो रही है खाना। गगन मामा भी खाए, मामा भी खाए।
ऐसे हमारे तीनों बच्चे खा रहे हैं खिचड़ी, ये ही भी भुर्रे हुर्रे 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 वे भुर्रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून हो गया होगा, आप दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और हमारे हो रखा है चाय पीने का टाइम। आँखों में नहीं दिख रहा होगा, रात को बाबू ने बहुत किया था तंग। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ, वो बैठे उनके लिए। गाइस ये बना रहा था मैं सैंडविच और चाय बना लिया है, और अब सैंडविच बना के फिर मिलता हूँ आपको कमरे में। हेलो गाइस, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे रॉयल बी का पर्सनल ब्लॉग में। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है कि मैम आप बेबी के फुल डाइट के बारे में वीडियो बनाओ कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितने बार मतलब क्या क्या सॉलिड फूड क्या देते हो, मिल्क कितने बार देते हो। तो आज का वीडियो है इसके ऊपर कि मैं अपने तीनों बच्चों को रूटीन क्या है मेरे सुबह से शाम तक का खाने पीने का। तो गाइस पीछे कर दूँगे, तो देखो अभी बज रहा है, मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गाइस थोड़ा काम था घर का, इसलिए उसको निपटाना पड़ा मुझे, तो मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाई। सुबह से मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह मैं 7 बजे इनको मैंने दूध दिया था, फिर ये 2-3 घंटे सो गए थे, फिर उस बीच में ये उठे हैं 10 बजे करीब, 7 बजे सो गए, 10 बजे उठे हैं, 9:30-10 बजे करीब सिंधु उठे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने दूध लिया है क्योंकि उठते के साथ इनको कुछ भी मैं देती हूँ तो नहीं खाते, उठते साथ इनको दूध ही चाहिए, तो इन्होंने फिर जाके उसके बाद दूध लिया है 10 बजे करीब। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर मैं ये 11:30-12 बजे समथिंग मैंने इनको खिलाया था सेरेलैक्स। ठीक है, और उसके बाद अब तक इन्होंने सेरेलैक्स के बाद सिर्फ एक बार वो स्टैम्प ने दूध पिया होगा थोड़ी देर बाद ही, है ना, और उसके बाद मैंने अब तक इनको कुछ नहीं दिया। तो अब मैं जा रही हूँ उनको इनके लिए कुछ बनाने के लिए, रात को इन्होंने खिचड़ी खाया था तो अब मैं सोच रही हूँ इनके लिए ये लौकी बनाऊँ। तो चलते हैं गाइस लौकी बनाने के लिए। अब ये इसको मैं नीचे रख रही हूँ तो ये रोना शुरू कर रही है, देखो देखो एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये सो रही तो मैं लौकी बनाने जाऊँ तो मैं इनको खिलाऊँ, आओ बेटा रोना नहीं बिल्कुल भी नहीं रोना। अरे मम्मा लौकी बना के हमारे साथ पंखा चला दिया आपका, देखो आप यहाँ गिरना मत, यहाँ लगा देते हो तक किया बाबू, आपकी मम्मी आपके लिए बना रही है कुछ मस्त डाइट। ओके हाँ भाई, तो खेलते रहना। है क्योंकि मेरे बेबी अब 7 मंथ कंप्लीट करके 8वें महीने में चल चुके हैं, अब 8वां महीना भी उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डब्बा है ये 6 मंथ में मैंने उनको दिया था, अब 6 मंथ और 7 मंथ तक का ये दिया था, देखो। नहीं ये ना डब्बा बीच में चेंज हो गया था, मैंने उसको बोला था 7 मंथ का है, पता नहीं 6 मंथ का डब्बा कहाँ से आ गया ये। नहीं तो ये ऐसा होता है 6 मंथ से स्टार्ट, 6-7 मंथ तक लोगे और ये जो है 8-9 तक लोगे। अच्छा वो 6-7 का दोनों चल रहा था, 8 से लेके 10 मंथ तक ये चलेगा। 9 महीने लोगे 10 महीने में दोबारा चेंज हो जाएगा। गाइस वैसे डब्बा चेंज हो चुका है, ये जो है ये 8वें महीने का है, इसमें देखो यहाँ ये क्या क्या मिला हुआ है। तो अभी 8वें महीने में हम ये दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मैं एक टाइम तो मतलब 1-2 टाइम मैं सेरेलैक्स देती रहती हूँ बच्चों को, उसके बाद बीच में तो बॉटल हो गए धोने वाले। गाइस इस स्टेज का थोड़ा कम पड़ता है, सबसे जाना सबसे बच्चों में ही रहता है। पानी से मैंने पैक कर लिया, पानी से पूरा है,
ओहो, ये ढक्कन क्यों खोल कर देते हो आप? अभी बॉटल 1 2 3 4 5 6 और एक सात, सात बॉटल साफ है। गाइस बेड भी पूरा सीमेंट में पूरा गंदा हो रहा है। 1 2 3 4 4 और एक पांच, पांच बॉटल इनकी गंदी पड़ी है जिनको मैंने धोना है। गाइस ये मैं डालूंगी दाल के अंदर क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ये हो गया, ये खिचड़ी हो गया, उनको बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको डाल के दाल में डाल के बनाऊंगी। अब मैं आपको वीडियो, अब मैं दिखाती हूँ इसको खिलाने के टाइम पे। ओके अब मैं दाल बना लूँ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखो, ये हमारा गगन बेटा क्या कर रहे थे। बाबू इसके नीचे चले जाओगे चोट लग जाएगा। देखा था हमको गौरव बेटे को। और भाई साहब और मैडम जी का हाल है आपके? कपड़ा मुंह में ले रहे हो? मम्मी आपके लिए कुछ बना रही है ना? अच्छा सा, अच्छा सा बना रही है ना? गौरव, गौरव, हे गौरव, ये देखो ये देख शैतान पर। आपको बोतल धोना है और मैंने बोतल कैसे धोती हुई वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लेना क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये बोतल मैंने सारी धो चुकी हूँ, अब इसको उबालना मछली है क्योंकि हर एक बोतल को उबालना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करना कि आप भी हर एक जितनी बार बोतल खिलाएँ उसके बाद बोतल को उबालने आ करें। लिक्विड खा लो। गाइस हम इसे बच्चे की बोतल है जो वो दिखा रखा है मैंने पहले, पहले इसे दिखा रखा है मैंने कि मैं बोतल कैसे वॉश करती हूँ। इसलिए बस इतनी बार ये दिखाना है कि पूरे दिन हमें भी बोतल के बाद धोना पड़ता है। तो गाइस अभी ये सेकंड बार है, एक बार सुबह धो दिया था और ये एक अब धोया है। तो गाइस इनका डाइट तैयार हो रहा है। ये देखो ये कहाँ आ गया भाई। अरे भाई लग गया इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लग जाएगा इधर आओ। काम हो जाते हो आप इधर आ जाना बेटा, आ जा आ जा आ जा बेटा लग जाएगा। चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो, देखो सुसु कर रखा है। आपके कपड़े चेंज करें, आपने सुसु कर दिया है, आपको नहाना कि नहीं नहाना है? ओए गंदू गंदू रात को गैस ने क्या क्या पूरे पॉटी में अपना, हम मैं खाना बनाई थी बाहर और ये पूरी पॉटी में सन चुका था तो मैंने इसको रात को ही नहाया है इस लड़के को। गाइस इसने रात को बताया नहीं था, बेचारा पूरा पोटी में बैठा हुआ था। हम ये मैडम बना रही थी खाना और मैंने पकड़ रखा था इसको गौरव को पूरा। बहुत देर से रो रही थी, गोदी में आके शांत हो गई होगी लाडो है। क्या हो, बना लिया? वो तो बन गया, ये ठंडा हो गया, ये उबल चुका है, मैं इसको निकाल देती हूँ इस तरह से। ये देखो लड़का नीचे टिकेगा नहीं, ये देखो गाइस हमारे बच्चे ऐसे हैं, एक बार गोदी में आ जाएंगे फिर उसके बाद नीचे जाने का नाम नहीं लेंगे जब तक ये चाहे मम्मा का हाथ जल जाए तो कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
ली कम से कम। हाँ मैं पन्नी मैं निकाल दूं। अरे ये बोतल को निकालना पता जरूरी क्यों होता है? क्योंकि पूरा वाइट वाइट हो जाता है फिर ये ना, इसलिए। तो गाइस जब तक वो बन रहा है तब तक मैं इसकी गाइस ये इसकी दूसरी बार मालिश होने जा रही है। तो जब तक वो बन रहा है इनका खाना तब तक इनकी मैं कर देती हूँ मालिश। अम्मा तीनों पे टू हाँ आ रही मम्मा आया मैं बेटा आजा आजा। तो गाइस ये चल रही है इसकी मालिश। मालिश की वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है तो इसमें आपको पूरी मालिश नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये ऐसे शॉर्टकट में वीडियो बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं ये दूसरी मालिश की प्रॉपर तरीके से होगी बट आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस गौरव का बाड़ी है मालिश को। गाइस इसकी पता नहीं कहाँ से मच्छर से सब काट के ले आते हैं ले आते हैं। मैं बेट बेट मम्मा अभी आपकी भी मालिश करेगी है ना। गाइस ये तीसरी गुड़िया मतलब इसकी गौरव बगन दोनों की मालिश हो चुकी है। ये गुड़िया की मालिश हो रही है और इनका ऑलमोस्ट खाने भी रेडी हो चुका है। हमें मालिश करके इनको कुछ खिला खिला के उसके एक आध घंटे बाद इनको नहलाऊंगी। गौरव का मालिश पहले ही हो गया था फिर गगन का हुआ था अभी गनिका का हुआ है। गाइस आप सोच रहे होंगे क्या इनकी वीडियो क्यों नहीं आई? तो गाइस उस टाइम मैडम जी हमारी रील्स बना रही थी तो आप इस मालिश की वीडियो रील्स पे दिख जाएगी बाबू के क्योंकि इसकी बड़ी वीडियो मैं दे नहीं सकती ना गाइस आपको। मैडम का आईडी इंस्टाग्राम पे जाके देखना मैडम का रील दिख जाएगा मालिश करते हुए। ए गुड्डी तुम तन न न न न न न न तुम तन न न न न न न न न तुम तन न न। आप गाइस इनको बाबू को भूख लग रही है आप इनको भूख लग रही है आप इन सारा तेल का है यहाँ पे तेल रखा हुआ था सारा गिरा गया। ये दोबारा गिरा है इससे पहले भी एक बार गिर चुकी है हमारी गुड्डी। बाबू मम्मी खाना ला रही है आपके लिए। आपकी मम्मी खाना ला रही है आज बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना लाएंगे आपके लिए। हाँ ला रही है ला रही ला रही है। गगन देख रहा है अपने भाई को। उसके भाई के हाथ में है खिलौना तो इसलिए इसकी नज़र सीधा भाई की तरफ दे देखो। देख रहे हो गाइस अब इसकी मम्मी गई है लेने के लिए वहाँ बना रही है फिर लाते फिर दिखाते हैं आपको हम। गाइस ये मैंने बनाया है घिया दाल जैसे कि मैं आपको दिखाया था ये घिया दाल है
हमें तीनों को खिला रही हो। ये टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। देखो गाइस 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। ले 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 मेला प्याला बेटा खाएगा भाई खाएगा कैसे मेला खाएगो मेला प्याला गुज्जा नो क्योंकि फट गिरा देंगे पता है। कौन है का जल्दी ऊपर करो ये लो लड़ो लड़ो मत गाइस मैं अभी आपको खाना खिला रही हूँ उसके 1 घंटे बाद मैं इनको नहलाऊंगी। हाँ लो बेटा लो 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 कौन किसका अच्छा लो चलो गाइस मैं अभी ये मैडम नाइल ने लाएंगे तब मैं इसको बाबू को उठा लेता हूँ गोद में मिलता हूँ आगे। मेरे वाइस कितना परेशान करते हैं ये गुड्डी उठे तो गाइस इनमें जब मन करता ना जब भी बैठ खाना खाएंगे नहीं तो मेरे गोद में खाना खाएगा टुकड़ो के टुकड़ो के टुकड़ो अगर आ करो बेटू गाइस ये मैडम अभी इनको नहलाएंगी तो वो पूरा दिखाऊंगा मैं आपको ये कितना परेशान करते हैं नहाते हुए किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है। अब ये मैडम ने इसमें घी ये जो गाइस गुड़िया का दाल पी के सो चुकी है उसका खाना हो चुका है अब वो उठेगी तो उसको दूध की भूख लगेगी और ये देखो मेरे प्यारा सा बेटा इसने भी दाल खा लिया है और दाल खाए हुए हो गए थोड़ी सी देर अब मैं इसको पिलाऊंगी पानी क्योंकि पानी पीने का टाइम हो गया है। अब गाइस ये बज रहा है 3:15 हो रहे हैं तो मैं इसको अब थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ क्योंकि गाइस हम बड़े हैं तो हम अंदर निगल लेते हैं बच्चे का तो थोड़ा सा वो दिक्कत होती है ना तो अब मैं इसको पानी पिलाऊंगी। लो बेटा बच्चे पानी पी लो ये पंखा दे रहे पंखा के बंद है। गाइस मैं इसको गिलास में पानी पिलाती हूँ
ताकि बच्चों को आदत रहनी चाहिए गिलास में पानी पीने की। मतलब बोतल में पानी मैं जब तक देती थी जब तक ये गिलास नहीं पकड़ते थे, पर अब मेरे बच्चे फिलहाल बोतल गिलास पकड़ने वाले हो चुके हैं तो ये गिलास में पानी इजीली पी लेते हैं, तो इसलिए मैं इनको गिलास में पानी देती हूँ। है ना बेटो, मैं बच्चू लपियो थोड़ा सा और पी लो। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पूरे दिन में कम से कम मैं 4-5 बार थोड़ा पानी पिलाती रहती हूँ बच्चों को बीच बीच में। लो बेटा थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा जरा सा। अब किसका फ़ोन आ गया? ये मम्मा का। मैं कर रही हूँ मम्मी से बाद में बात। तो गाइस मैंने उसको पानी पिला दिया है, अब मैं चलती हूँ। पहले थोड़ा सा पानी कम करो आवाज़, थोड़ा सा पानी मैं गौरव को वो गगन को पिला देती हूँ, उसके बाद पहले मैं लेके चलूँगी गगन को नहलाने के लिए, उसके बाद फिर मैं गौरव को नहलाऊँगी, गुड़िया जब सो कर उठेगी तब जाके वो नहाएगी। तो गाइस चलते हैं इसको नहलाने के लिए। 3:30 हो रहे हैं दोपहर का। आज मैं इनको सुबह मतलब बारिश वारिश का मौसम था, मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैंने इनको नहलाया नहीं, अब मैं इनको नहलाने जा रही हूँ। तो गाइस उसके बाद मेरा कुछ काम है, मैं वो काम से निपटाऊँगी। तो गाइस आपने देखा कि मैंने सुबह का डाइट मैंने को बताया है कि सुबह उठते ही उन्होंने पहले दूध पिया है, उसके बाद फिर ये सो गए थे, फिर 10 बजे उठे, फिर उन्होंने दूध पिया है, फिर उनके बाद वो बीच में थोड़ा पानी दिया, मैंने बीच में थोड़ा पानी देते रही हूँ, फिर वो 12 बजे सेरेलैक्स खाया है, अभी 2:30 बजे इन्होंने 2:30 बजे इन्होंने खाना खाया, अभी को थोड़ा मैंने पानी पिलाया है, अब मैं जा रही हूँ नहलाने के लिए। नहलाने के बाद इनको हो सके तो दूध की थोड़ी बहुत नीड होएगी, थोड़ा बहुत दूध पी के फिर ये सो जाएंगे। गुड़िया सो रही है, जब तक इन दोनों को नहलाऊँगी धुलाऊँगी ये सोएंगे जब तक गुड़िया उठ जाएगी। इनकी मालिश मैंने कर दी है, मालिश हो चुकी है पहली, अभी जा रहे हैं नहलाने के लिए। ओके गाइस ये गगन को मैंने थोड़ा दूध दिया है, अभी ये हो रहा है 3:30 हो रहा है, मैं नहलाने सोची थी पर इसको नींद आ रही है बहुत जोर की, तो ये देखो अभी दूध पी के अगर नहीं सोया तो मैं इसको नहला दूँगी, नहीं तो फिर दूध पी रहा है फिलहाल, तो भी इसको भूख लग रही थी क्योंकि ये मतलब अगर मैं कुछ भी इनको दूँ दाल वगैरह कुछ भी देती तो उनके ऊपर जब तक ये थोड़ा बहुत दूध नहीं पीती इनको तसल्ली नहीं मिलती है, तो इसको मैंने दाल खा लिया था, अब इसके बाद ऊपर से थोड़ा आधे घंटे बाद मैं दूध देती हूँ, एकदम नहीं देती, तो अभी आधा घंटा हो चुका उसके बाद ये दूध ले रहा है, और देखो ये ऑलमोस्ट इसको नींद आ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो ये खुद ले लो, पकड़ो बेटा पकड़ लो बेटो। और उसके बाद ये गगन को भी ये गौरव को भी भूख लग रही है, ये भी दूध पी के सो जाएगा, उसको भी नींद आ रही है आँखों में, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा दूध लेके आती हूँ और उसके बाद ये दोनों सो जाएंगे अपना आराम से। मैंने दे दिए गगन को दूध, गगन दूध पी रहा है और साथ ही गौरव भी दूध पी रहा है, और ये भी दूध पी के मुझे सो ही जाएगा क्योंकि इसको भी नींद आ रही है, तो देखते हैं अगर नहलाने लायक रहा तो नहलाऊँगी, नहीं तो मैं इनको बॉडी क्लीन वैसे कर दूँगी कपड़े वपड़े से, क्योंकि इसको बहुत ही नींद आ रही है और ज़्यादा शाम हो गया था, मैं नहलाऊँगी नहीं क्योंकि मौसम गाइस आजकल का मौसम कुछ ऐसा ही है, और गुड़िया सो रही है देखो पूरे सोफे पे सो रही है, ये मैं सोच रहा हूँ कि ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, इसके पापा यहीं बैठे हैं साथ में, मैंने बोला इनको ध्यान रखते रहना। तो गाइस मैं जाती हूँ अपना काम करने के लिए, अगर मुझे लगा कि इन दोनों में से कोई जग रहा है तो मैं इन दोनों को नहलाऊँगी, नहीं तो जब तक मैं अपना काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, और अगर ये नहीं नहाएंगे तो जाके मैं फटाफट नहा लूँगी आ जाऊँगी, तो ये जा रहा है सोने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट नींद में है, तो ओके गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस मैंने इसको नहला दिया, देखो अब बारी है गौरव गगन की बारी है, मैं उनको नहला दूँगी, नहलाने के बाद इनको देखती हूँ मैं क्या खिलाऊँगी, अब जैसे मेरे घर में मैं इसको अनार का पानी दूँगी पीने के लिए, अनार को बिल्कुल थोड़ा पानी डाल दूँगी पीने के लिए। आ रही बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, अच्छा परेशान हो रहा हो तो हाँ मुझे देखना ना, तो मैंने गोदी खा रखा उठा रखा, हाँ कहा हुआ बाबू, मम्मी अभी कपड़े पहना रही है ना भैया बाबू को, अपनी अपनी बहन के को अभी कपड़े पहन रही, आपकी बहन आ रही है। गाइस देखो गगन भी नहा लिया,
ये नहाने टाइम बड़ा ड्रामे करता है, ऐसे ऐसे ठंड लग रही है उसको, ऐसे कांपता है ये। नहा लिया बेटा, आप कपड़े चेंज करें आके। अरे 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 बच्चा, ठंडी लगती है मैं बच्चे को। इसको गाइस, इसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसको जरा सुल्क से पानी उड़ा दो, ऐसे कांप जाता है बिल्कुल ही। अब इनको नहलाएंगे फिर मैं भी नहाने जाऊँगी। अरे हमारा बड़ा बेटा रह रहा है गोरा, बस अब इसको नहला धुला के। मुझे ला रहा है जा रहा हूँ दूध बनाने। मैं इनको ये गौरव को कैल्शियम और विटामिन D3 की दवाई दे रही हूँ। लो बेटा ये मुझे इनको 2.5 ml देनी है, तो इस वाले में पूरा आता नहीं इसलिए मैं आधा आधा करके देती हूँ। ये उसको भी देनी होती है, पर वो भी दोबारा मैं इनको नहला के लेके आई और नहाने के बाद ही आराम से सो जाते हैं। तो देखो गुड़िया भी सो गई और गगन भी सो गया और ये भी सो गया। छोटे बच्चे आधी नहीं होगी ना पूरी। गाइस सारे बच्चों को नहला दिया था, मैं भी नहा ली और उसके बाद बच्चे सो गए थे आराम से। उसके बाद जब उठे हैं तो उन्होंने दूध पिया है। देखो चैन नीचे दूध पी रहा है, गगन ये रहा, गगन ने पी लिया है और गुड़िया ऊपर खेल रही है। इन्होंने उठने के बाद दूध पिया है और ये दूध पीने के बाद अब मैं थोड़ी देर बाद इनको दूँगी वो अनार का पानी देना था। वैसे मैं बीच बीच में पानी देती रही हूँ क्योंकि गाइस हर छोटी छोटी चीज़ का ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि काम इसके साथ तो और भी ज़्यादा होता है ना। तीनों बच्चे फिर परेशान भी करते हैं, रोने भी लगते हैं, तो हमें हर एक चीज़ का वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे। मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ है ना। अब मैं इनको दूंगी अनार का पानी। अनार का पानी मैं कैसे देती हूँ, एक एक वो बीज को ऐसे निचोड़ के तब देती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं पीस के देती हूँ तो बीज भी साथ में पीस जाता है, जो कि सही नहीं है। वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है तो वो बच्चे पीते नहीं है फिर। तो गाइज अब मैं रात के खाने की सोच रही हूँ। अब एक तो हम लोग भी खाना क्या खाएंगे रात को ही सोच रही हूँ, और ऊपर से बच्चों के लिए क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि जो दाल चावल हम बनाएंगे अभी, दाल चावल और जो भी बनेगा, तो उसमें से बच्चों के लिए दाल निकाल लूँगी। सुबह मैंने खिलाया था वो क्या कहते हैं घिया दाल। अब मैं जो उसका दाल का पानी थोड़ा निकाल दूँगी, सुबह पूरी दाल खाई थी, अब सिर्फ दाल का पानी निकालूँगी। और देखते हैं, मैं सोच रही थी थोड़ा सा अभी जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ सूजी का थोड़ा सा देखती हूँ। मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी बनाने का, बस सोच रही थी सूजी का हलवा बना दूँ। अगर मैं सूजी का हलवा नहीं बना पाई गाइस तो मैं क्या करूँगी, जो दाल बनाऊँगी उसी के अंदर मैं 2 आलू उबाल लूँगी, उस आलू को मैं दूध में मैश करके तब मैं बच्चों को दूँगी। अब बाकी देखते हैं कि कैसे कैसे, और अगर मैं सब चीज़ इस ब्लॉग में आपको दिखाने लगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं कब कब क्या क्या देती हूँ। अब टाइम हो चुका है गैस नहाने के बाद 2-3 घंटे सो गए थे, तो अब टाइम हो रहा है 9:30 से ऊपर हो रहा है, 10 बजने जा रहा है। 10 बजे ये दूध पी रहा है अभी फिलहाल, और उसके बाद मैं जा रही बच्चों की बॉटल धुल रही है। ये चौथी बार बच्चों की बॉटल मैं धोने के लिए जा रही हूँ, और सेम प्रोसेस है जैसे मैं बोतल धोती हूँ वैसे ही धोना होता है, चाहे 4 बार धोना हो चाहे 5 बार धोना हो। और बाकी फिर मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाने के लिए, और उसके बाद बच्चों का खाना बनाऊँगी, और फिर बाकी की वीडियो देखने के लिए। अब जैसे ये रात तक 10 बजे की वीडियो आपको इसमें दिखेगी, 10 बजे तक ये दूध पी रहे हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद की वीडियो है मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ओके गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी 10 बजे से लेके सुबह तक का रूटीन देखना कि रात को कब सो रहे हैं, है ना, ये दिखाऊंगी मैं आपको। रात को मैंने क्या पिलाया इनको, दूध वूध कब पी रहे कब नहीं पी रहे, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ओके गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।